Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. Welcome to our YouTube channel. We are going to decode the Hindu newspaper for 20th March 2020 today. Aap sabhi ka hardik swagat hai Arpita Sharma classes mein. Aaj hum 20th March 2020 ka the Hindu newspaper decode karenge. The PDF of these classes are uploaded on our Telegram channel. Name of our Telegram channel is Simplifying UPSC with Ease. The link is given below in the description box. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है. सो इन टुडेज क्लास फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टू होमवर्क क्वेश्चंस. आई एम गोइंग टू गिव यू टू प्रीलिम्स बेस्ड होमवर्क क्वेश्चन एंड वन मेंस बेस्ड होमवर्क क्वेश्चन. आज की क्लास में आपको दो प्रीलिम्स रिलेटेड होमवर्क क्वेश्चंस देने वाली हूँ और एक मेंस का होगा. तो आप प्रैक्टिस करिएगा खुद, ठीक है. यू हैव टू प्रैक्टिस इट योर सेल्फ. लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले. शुरू करते हैं आज की क्लास को. नाउ द होमवर्क फॉर प्रीलिम्स for today is these two questions. Negev NG7 light machine guns are being procured from A. Israel, B. Russia, C. USA or D. Iran. And second question is related to the SAARC. First statement, SAARC was founded in Dhaka in 1985 and has 9 member nations. It's headquartered in Islamabad in Pakistan. 2010 to 2020 is declared as SAARC decade of intra-regional connectivity. You have to tell me which statement is correct. कौन सी statement correct है? Now this is your main homework. An epidemic is a test of not just medical science advancements but also of our morals. What are the public obligations regarding virus containment? Very easy question. आपकी क्या जिम्मेदारी है virus containment से related? Society की क्या जिम्मेदारी होती है? ये आपको list down करना है. Now let's decode. Page number 1, COVID-19 PM calls for social distancing, people's curfew. जनता कर्फ्यू की बात की गई है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा. बहुत ही अच्छा इनोवेटिव स्टेप लिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने. The Prime Minister of India has urged Indians across the country to face coronavirus pandemic with collective determination and patience to make sure that humanity and India prevails. Now there were 9 calls to action in Prime Minister Modi's address. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही अच्छी जानकारी सभी को दी है कि देखो पहले तो पैनिक बाइंग नहीं करनी है. जबरदस्ती जाकर 3-3 महीने का स्टॉक लेकर रख लोगे लॉकडाउन के डर से, ये गलत है. अभी हम स्टेज 2 पर हैं, ठीक है. स्टेज 4 पर जाते जाते लोग ऐसा कुछ करने लगते हैं, बट ऐसी स्टेज आएगी ही नहीं हमारे देश में. हम स्टेज 2 पे हैं, फाइट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से फाइट कर रहे हैं, पर पैनिक बाइंग से क्या होगा, सप्लाई इफेक्ट होगा. इफ यू आर डूइंग पैनिक बाइंग फॉर 3-3 मंथ्स, 4-4 मंथ्स, दैट विल एंड अप इन डिक्रीजिंग द सप्लाई. दैट इज अननेसेसरी. आप जैसे एक महीने का राशन लाकर रखते हो उतना करो. देर इज नो लॉकडाउन ऑफ द शॉप्स और एसेंशियल कमोडिटीज. गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू डू दैट. डोंट वरी अबाउट इट. सो डू नॉट डू द पैनिक बाइंग. देर आर मेनी लिटरेट एंड एजुकेटेड पीपल हु आर डूइंग दिस. अब हम जो पढ़े लिखे नहीं है उनसे तो हम एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि वो डर के वजह से पैनिक बाइंग करेंगे. कितने ही पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादातर पढ़े लिखे लोग ही हैं जो ये सारी हरकतें कर रहे हैं, जानते हुए कि इस पे सप्लाई पे क्या असर पड़ने वाला है. जो नहीं हो आगे जाकर वो अभी हो जाएगा, राइट. ऐसा मत करो. गवर्नमेंट सभी एसेंशियल कमोडिटीज का ध्यान रखेगी, आपके राशन का ध्यान रखेगी, बट अगर आप पैनिक बाइंग करने लगोगे तो आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, राइट. सो फर्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज अ सेल्फ इम्पोज जनता कर्फ्यू. देखो आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि बाहर मत निकलो, कोई भी नहीं करेगा, बट आप सोशल अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते. तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला कि आप खुद से जनता कर्फ्यू को कैरी आउट करो, मतलब खुद से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करो, घर में रहो, बाहर मत निकलो. देखो अगर आप हेल्दी हो, राइट, तो आप हम जो 20 से 20 से 55 की एज ग्रुप के जो लोग हैं, राइट, वो हेल्दी होते हैं. इम्यूनिटी काफी लोगों की स्ट्रांग होती है, मैक्सिमम 80-85% की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है इस एज ग्रुप में. तो अगर आपको इवन वायरस है भी ना, एसिम्प्टोमैटिक सिम्टम्स आप दिखाओगे, मतलब सिम्टम्स दिखेंगे नहीं, आप एसिम्प्टोमैटिक होगे, वायरस आएगा भी तो चला जाएगा, फाइट कर लेगी आपकी बॉडी, बट होगा क्या, आप उसे स्प्रेड कर सकते हो. आप कंटेनर बन के बाहर निकलोगे जो उस वायरस को स्प्रेड कर सकते हो. अगर आप बाहर गए, किसी चीज को टच किया, स्नीज किया, तो जो वल्नरेबल इंसान होगा जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी उसको वो वायरस आ सकता है, उसकी जान को खतरा हो सकता है. इसलिए आपको खुद को रिस्ट्रिक्ट करना है, रिस्ट्रिक्शंस अपने ऊपर लगानी है और घर पर रहना है.
then not to resort to panic buying, asking senior citizens to stay indoors. Now, आपकी ये जिम्मेदारी बहुत आप youngsters हो सभी जो आप exams की तैयारी कर रहे हो, तो आपकी moral responsibility और ज़्यादा बढ़ जाती है. आपके घर में कोई भी grandparent है, आपके दादा-दादी हैं, 60 से ऊपर age group में जितने भी लोग हैं, आप उनको कह सकते हो आप घर पे रहो, हम बाहर का काम देख लेंगे अगर कुछ आपको ज़रूरत है तो. उनको isolate किया जाए, उनको indoors रखा जाए, क्योंकि वो vulnerable हैं. Social distancing, कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग तो आप कर ही सकते हो. जितनी भी पार्टीज, बर्थडे पार्टीज, ये सब हैं, जान प्यारी है, राइट? तो अपनी जान अगर आपकी प्रायोरिटी है तो घर पे रहो, वीडियो कॉल्स कर लो. इफ इवन इफ यू वांट टू मीट योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, यू कैन वीडियो कॉल देम. सभी के पास आजकल फोन्स हैं, राइट? स्काइप कर लो, वीडियो कॉल कर लो, गूगल ड्यूओ यूज कर लो. अवॉइडिंग इलेक्टिव सर्जरी और रूटीन हेल्थ चेकअप्स टू नॉट ओवरबर्डन हेल्थ सर्विसेज. राइट नाउ द हेल्थ सर्विसेज आर ऑलरेडी ओवरबर्डन बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ केसेस ऑफ कोरोना वायरस. सो जो अननेसेसरी आपकी चेकअप्स हैं, जो जरूरी नहीं है इतने, आप उसे होल्ड पे डाल सकते हो, उसको आप अवॉइड करो. आस्किंग एम्प्लॉयर्स टू पे द एम्प्लॉयज इन फुल व्हेन दे हैव टू स्टे होम, टू स्टे अवे फ्रॉम रूमर्स, राइट? अब रूमर्स से भी बचना है. जितने भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं जो व्हाट्सएप के इधर उधर फॉरवर्ड करते हैं रूमर्स, फेक न्यूज, उससे बचना है आपको, ठीक है? Be informed, be aware of what is happening and stay away from the rumors. The PM also announced setting up of COVID-19 task force under Finance Minister for measures to mitigate some of the economic hardships engendered by the pandemic. You also have to remember for prelims that COVID-19 task force is formed under the Finance Minister. Now, there are many students who are asking, ma'am, if UPSC exam are going to get postponed or not. Bahut se students se poochte hain ki kya UPSC ke exam postpone hone wale hain? Dekho, aisa koi notification नहीं आई है और अप्रैल 15 तक अभी 2 weeks बहुत क्रिटिकल है. इन 2 weeks में अगर हमने सोशल डिस्टेंसिंग कर लिया, अपने ऊपर कर्फ्यू लगाया, बाहर ज्यादा ना निकले, तो हम कंटेन कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ये नहीं बोलूंगी, हाँ कंटेन कर सकते हैं इसके स्प्रेड को, राइट? तो इससे एग्जाम तो आपका मई लास्ट में है, राइट? बिल्कुल एंड में है, तो वो तो होगा ही होगा. अगर कुछ ऐसा वैसा होता है तो एक दो दिन आगे पीछे वो बता देंगे पहले ही, बट ऐसा मोस्ट 99% देयर आर चांसेस दैट इट्स नॉट गोइंग टू गेट पोस्टपोन्ड. 99% चांसेस है पोस्टपोन नहीं होगा, राइट? बाकी आप मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो. यू हैव टू हार्ड वर्क, डू द हार्ड वर्क, यू हैव टू स्टडी, डू नॉट एस्केप फ्रॉम दैट, राइट? नाउ दिस एडिटोरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट, गिविंग ह्यूमन राइट्स कमीशन मोर टीथ. नाउ इन दिस एडिटोरियल द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट हैज बीन डिस्कस्ड. Now, it was enacted, this Human Rights Act was enacted by Indian Parliament in the year 1993. The Act created National Human Rights Commission, State Human Rights Commissions in states, and Human Rights Court for better protection of human rights. So, under Section 2, Subsection D, it defines human rights. You have to remember the definition for prelims. The rights relating to life, liberty, equality, dignity of individual, as guaranteed by the Constitution or embodied in the international covenants and enforced by courts in India. Human rights kya hai? Rights hamare life se related, liberty, equality or dignity se related, jo har individual ko hamara samvidhan guarantee karta hai. Theek hai? And it is enforceable by courts in India and international covenants also. Okay? Now, the system of separation of power divides the task of state into 3 branches. आपको पता है कि separation of powers हमारे हमारे system constitution में है, यानी कि legislative, executive और judicial जो powers हैं वो separate हैं. These tasks are assigned to different institution in such a way that each of them can check the others. So there is a system of check and balances. If you have studied NCERT class 11th, you will be knowing about it. आपको पता होगा कि system of check and balances हमारे country में चलता है, यानी कि legislative, executive, judiciary एक दूसरे को check करता रहता है और एक दूसरे के faults को point out करके उसको eradicate करने में help करता है. तो checks and balances का system maintained रहता है, right? However, complexity of governance and administration in the modern world has necessitated existence of a set of independent bodies which are charged with performing vital functions of oversight. अब हमारे administration और governance में आज के modern world में थोड़ी सी complexities रहती है, जिसके वजह से हमने ऐसी bodies, ऐसे organization establish किए गए हैं जो कि छोटे-छोटे जो भी काम में implementation है उस पर नजर रखती हैं. Some of these bodies are constitutional and some are established under law. Now, the constitutional bodies mean established by the constitution itself. Others have been established under law. For example, Right to Information Act and Human Rights Commission, right? National and state human rights commissions, they are example of the 4th branch institutions. 3 to ho gaye, legislative, executive, judicial, 4th ho gaya hamara national and state human rights commission.
Now, the fourth branch, in the Indian context, institutions of the fourth branch include Election Commission, Lokpal, CBI, RBI, National Statistics Commission, NHRC, Information Commission, CVC, CAG, AG, Public Service Commission, that is PSC, Finance Commission, Niti Aayog, etc., and the media regulators as well. Now, the functioning of Human Rights Commission. Under the Protection of Human Rights Act, Human Rights Commission are empowered to inquire into violation of human rights. Human Rights Commission hai, yani ki human rights ka koi violation hota hai, to uski inquiry kaun karega? Human Rights Commission karega. They will react upon the petitions, they will, you know, start their own initiative and solve the crisis of human rights. Okay, clear everyone? Itna sabko clear ho gaya? Now, this second editorial is also important, drastic but necessary. Now, here, the Supreme Court in its latest verdict asked Parliament to make changes in Constitution to strip Legislative Assembly speakers of their exclusive power to decide whether legislators should be disqualified or not under anti-defection law. The 10th schedule provides circumstances under which a Member of Parliament or SLA can be disqualified for defecting to another party. So, here, anti-defection law you have to study. You will get this PDF on our Telegram channel. Okay. Next important news, National Tag for Ayurveda Institute soon. The Lok Sabha has passed a bill that will accord Jamnagar based Institute of Teaching and Research in Ayurveda the status of institution of national importance by clubbing the cluster of Ayurveda institutes at Gujarat Ayurveda University campus in Jamnagar. Now, what is Institute of National Importance? The Institute of National Importance is a status that may be given on a premier public higher education institution in India by an act of Parliament of India. Okay, किसी भी higher public higher education institution को public higher education institution को इस तरीके का tag दिया जा सकता है. Okay, for example the IITs, AIIMS, NITs. Okay, because of this status, these institutes receive special recognition and funding from the government. New definition of MSME soon. Says Gadkari, Union Minister for Micro, Small and Medium Enterprise told Rajya Sabha that government would come out with new definition of MSMEs, okay, which are currently defined on the basis of investment. Right now, plant and machinery mein kitna invest kiya, us basis pe MSME ko define kiya gaya hai. But ek nahi definition dene ki baat ki gai hai. In accordance with provision of Micro, Small and Medium Enterprise Development Act 2006, the MSME are classified in two classes. First is the manufacturing sector and second is the service sector. Okay, in the manufacturing sector, there are three types, micro enterprise, small enterprise and medium enterprise. And what are micro enterprise? The investment in plant and machinery does not exceed 25 lakh rupees. Small enterprise, in which investment in P&M more than 25 lakh rupees but does not exceed 5 crore rupees. And medium enterprise, 10 crore se zyada nahi hona chahiye investment. Then in service sector, there are again three types, micro, small, medium, and the definition is given. Okay. SEBI grants temporary relaxation to firms from disclosure norms. So the SEBI, that is Security and Exchange Board of India, has granted temporary relaxation to companies from certain disclosure requirement because of the ongoing pandemic of COVID-19. So SEBI was formed in 1988. The headquarters are in Mumbai. SEBI chairman is Mr. Ajay Tyagi. Okay, it was first established as a non-statutory body in 1988. Then it acquired the statutory powers in 1992 when the SEBI Act of 1992 was formed. So, this autonomous body ban gayi 1992 mein. Theek hai? Capital market ko regulate karti hai SEBI. Yes Bank yet to use RBI's credit lifeline. The moratorium imposed by RBI on March 5, 2020 with cash withdrawals capped at 50,000 has been lifted. That we have studied yesterday also. Okay. So this was all for today. I hope you enjoyed today's class. अगर आपको really आज की class अच्छी लगी ना, तो subscribe जरूर करना channel को अगर नहीं किया है तो. इस video को आगे UPSC aspirants जितने भी हैं या जो भी government exam के लिए तैयारी कर रहे हैं current affairs की, उनको forward कर सकते हैं और video को like, share जरूर करें. Thank you and have a nice day.